Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. एंड वेरी वार्म वेलकम व्यूअर्स आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्राइम टाइम मनीष फारूकी के साथ और आपकी मोहब्बत आपकी दोस्ती आपके फ़ैन आपके फॉलो होने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये प्रोग्राम दुनिया भर में टेक टीवी नेटवर्क पे नशर किया जाता है और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आप हमें देखते हैं आपके कमेंट और राय आती है इस पर हम बात करेंगे एपीसी पाकिस्तान में एक पार्ट, पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा भौचाल एक ऐसा जलजला मचा दिया है पाकिस्तान की तारीख में कि बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ना शुरू हो गए हैं बहुत सारे वो सवाल उखड़ना शुरू हो गए बहुत सारे वो तैबूज़ जिन पर कोई बात नहीं करता था अब उन पर बात होना शुरू हो गई है और ये इन सब की वजह करार दी जा रही है उस कॉन्फ्रेंस में होने वाली सबक़ वजीरम नवाज शरीफ की जानब से लिए गए स्टैंड पर वो उनका जो स्टैंड था वो क्या था और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में यह पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा आज हम कुछ इस पर बात करेंगे और इससे जो दीगर पाकिस्तान की जो पावर प्लेयर्स हैं जो स्टेक होल्डर हैं वो इसमें क्या कहते हैं क्या उनकी राय है और किस हद तक वो असरअंदाज हो सकते हैं उसके अलावा आपके इल्म में ही है कि पाकिस्तान में एक करप्शन स्कैंडल अभी भी चल रहा है और उस पर हर आए दिन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता है इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो नफ़रतों की एक फ़िज़ा क़ायम की जाती है वो एक या दो दिन की बात नहीं है वो बात है सदियों की यानी कि तिहत्तर चौहत्तर साल का वो खमियाजा है वो जो हम आज भुगत रहे हैं कि कभी किसी महाजिर से नफरत कभी किसी पश्तून से नफरत कभी किसी बलोच से नफरत हर एक से नफरत का जो ये एक माइंड सेट क्रिएट किया जा रहा है आज इस पर भी कुछ हम बात करेंगे कश्मीर में बाबर कादरी एडवोकेट का कत्ल होता है और उस पर हम नामूम अफरात क्या कि अपनी जान छोड़ाने की कोशिश करते हैं क्या है असल कहानी इस पर भी कुछ आज रोशनी डाली जाएगी और साथ साथ बहुत माननीय जनाब वाला फारूक अब्दुल्ला साहब के को अचानक से मोहब्बत जागी है मुसलमानों की फिर से और ना सिर्फ मुसलमानों के लिए मोहब्बत जागी है बल्कि चीन के लिए भी उनकी मोहब्बत की पिंगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और वो भी एक नए नैरेटिव को लेकर ऐसे सामने आए जैसे कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे जैसे कि शाहिन बाग वाले ले आए थे आज उस पर भी बात करेंगे जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त तजिया आने जा रहा है ताहर असलम गोरा साहब को वेलकम करते हैं शो में और इसको शुरू करते हैं वेलकम सर शुक्रिया जी शुक्रिया बड़े गर्मा गर्म, गर्म मामला चल रहे हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हालांकि इस तरह के मोड़ कई आए हैं लेकिन जिस तरह की ये सिचुएशन डेवलप हुई है नवाज़ शरीफ साहब की ट्वीट को लेकर इसको आप कैसे देखते हैं देखिए नवाज़ शरीफ की ट्वीट जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है कहते हैं कि हालिया वाक़ात में एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाक़ातें सात पर्दों में छुपी रहती और किस तरह बाज की तशहर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए आज मैं अपनी जमात को हदायत जारी कर रहा हूँ कि आइने पाकिस्तान के तकाजों और ख़ुद मुसल्ह मस, अफवाज को अपने हलफ़ की इसका दूसरा हिस्सा है ट्वीट का पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी जमाती या जाती सतह पर अस्करी और मुतलका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा कौमी दिफा और आइनी तकाजों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमती क़्यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा तो अनी भाई ये जो ट्वीट्स दो ट्वीट्स के सरसा में नवाज शरीफ ने एक तरह से वजाहत की है और अपनी पार्टी को भी एक तरह से बताया है कि हमारी क्या पॉलिसी है आपने बहुत शुद्ध शुद्ध उर्दू में नवाज शरीफ की पढ़ के सुनाया बल्कि किसी ने इनको ये एडवाइस भी किया मरीम नवाज़ को कि इस ट्वीट को अंग्रेज़ी में भी किया करे तो <laughs> इसको समराइज़ अगर हमारे दर्शकों के लिए आप कर दें कि ये जो क्या कहना चाह रहे हैं उनका जो जो समरी है वो क्या है देखिए नवाज शरीफ साहब पंजाब कश्मीरी मिली जुली बैक के आदमी हैं मगर पाकिस्तान में रहते रहते वो आ, मतलब आप उर्दू स्पीकिंग से इतनी अच्छी उर्दू सीख गए हैं <laughs> इनकी बेगम जो हैं उनसे मेरी को थोड़ी बहुत आ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था आ, एक उर्दू के प्रोफेसर के साथ वो काम करती थी और उन्होंने जगाल बंद पी एच डी भी की उर्दू में तो मियाँ साहब ने और उनकी बेटी ने उर्दू में भी काफ़ी दशरस हासिल की है खैर ये तो एक साइड लाइन की बात है देखिए इन दोनों ट्वीट्स में मियां नवाज शरीफ ने यह कहा कि हमारी पार्टी का कोई आदमी अब फौजी अस्करी क्यादत से बगैर जरूरत के बगैर आईनी किसी गुंजाइश के नहीं मिलेगा खुफिया मुलाकात तो बिल्कुल नहीं करेगा और अगर उसको करनी हुई तो वो बता के करेगा अलल ऐलान करेगा तो ये एक तरह का उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है जी अपनी पार्टी के लिए अपनी जमात के लिए कि अनाउंस्ड हिडन सीक्रेट कॉन्फिडेंशल बुरका पहन के जाना और इस तरह से बैकडोर से चले जाना या गेट नंबर 22 से चले जाना ये सब सिलसिले बंद यही बात है ना जी बिल्कुल यही बात है कहने को तो नवाज शरीफ ने ये बात कह दी जी अब दिक्कतें बड़ी हैं मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा ख़दशा उनके भाई से ही होगा शहबाज शरीफ से ही होगा मैंने इसलिए थोड़ा हल्का सा अंदाज हाँ वही 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 मैंने कहा मैं बात कर दूँ <laughs> सबसे ज्यादा खदशा तो शहबाज शरीफ से होगा चूँकि उनका एक मजाज है वो वो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ मेरी राय में पॉलिटिशन नहीं है वो बुनियादी तौर पर जो होता टेक्नोक्रैट बिजनेस मैनेजर काइंड ऑफ गाय तो वो या फिर उनकी ये पॉलिसी होती है कि मेरे भाई ने तो अब इसी तरह ही की सियासत करनी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस तरह की अग्रेसिव सियासत अरसा दास से कर रहे हैं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड नहीं है नाइन्टी थ्री से ऑन बर्ड ठीक है लेकिन वो जाहिर है जब भी कभी हुकूमत बनती है पाकिस्तान में तो आपको इस्टेबलिशमेंट के साथ बैठना पड़ता है यही नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बात की यही ये जो दो ट्वीट्स की एक सीरीज उन्होंने आज दी है ये आफ्टर मैथ ऑफ उनकी स्पीच है क्योंकि उनकी स्पीच के बाद ये इशू बना कि भाई एक तरफ से तो नवाज शरीफ आर्मी को ये कह रहे हैं कि ये स्टेट द स्टेट हो गए हैं पहले तो ये था ना स्टेट विद इन स्टेट थे जी तो बल्कि अगर आपकी इजाजत हो तो वो क्लिप भी देखते हैं जहां जो जो रियासत के अंदर रियासत का एक तस्वुर था जी वो हम हमेशा से सुनते हैं एक, एक डीप स्टेट है ए, लेकिन रियासत के ऊपर जाकर भी एक रियासत बनाने की जो ये इस पहली मरतबा बात हुई है नवाज शरीफ के उस लहजे को भी जरा देखिएगा इस क्लिप में ए, मैं प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा इसको प्ले करें ताकि हमारे व्यूज भी सुन सकें। मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर कर स्टेट अब स्टेट तक जा पहुंचा है बड़ी क्लियर कट अल्फाज में कह दिया उन्होंने सर बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है स्टेट अब स्टेट हाँ उन्होंने साफ कह दिया मतलब ये अब उनका ये स्टैंड आगे बढ़ रहा है वो बात आगे बढ़ रही है और वो ये कह रहे हैं कि भाई इनफ इज़ इनफ लेकिन इसमें अनीस भाई मैं तीन चार बातें करूँगा बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ऐसी बातें इस्टबलिशमेंट के किसी दूसरे ग्रोह की हल्ला शेरी के बगैर नहीं कह सकते मैं इससे कुछ जज्वी एग्री भी करता हूँ ऐसा भी है ये भी, ये भी सुनने में आई है आपको कट कर रहा हूँ लेकिन जी। कुछ बात ये भी सुनने में आई है कि ये स्पीच भी उनको तैयार करके दी गई थी कि भाई आपने ये जाके स्पीच पढ़नी है कुछ बातें ये भी कह रहे हैं कि एक दिन पहले वाली मुलाकात से कुछ लाइनें दी गई थी या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इमरान खान को भी थोड़ा सा उन्होंने एक वेकअप कॉल देनी थी तो ये सारी बातें कही जा रही हैं लेकिन जो नवाज शरीफ ने ये ट्वीट करके दोबारा इन सब अफवाहों को एक तरह का ख़त्म कर दिया है देखिए हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त कासमी साहब अक्सर नवाज़ शरीफ की इस तरह की तकरीर आ, में मुआावन किया करते थे मैं शोर नहीं हूँ कि इस तरह के ये जो माशा के माशा माफ़ी चाहता हूँ कोविड के जो हालात हैं वो ज़ाहिर है वहाँ हो नहीं सकते लेकिन खैर तकरीर तो लिख के कहीं से भी भेजी जा सकती है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तकरीर प्रोफेशनली अगर लिखी भी गई है तो नवाज़ शरीफ साहब अब इतने के एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि वो इस तरह की तकरीर ख़ुद भी लिख सकते हैं और इसमें उनकी बहुत सारी जो बातें हैं वो उनके अपने दिल की बातें हैं अगरचे इन दिल की बातों पर उनकी जो माजी में प्रैक्टिस रही हैं बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं देखिए हुकूमतें जब बनती हैं तो बहुत कंप्रोमाइज हो हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में और प्रीसाइजली पाकिस्तान में लेकिन नवाज शरीफ इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं कि वो 93 से जर्नलों के साथ एक तरह से मत्था लगा रहे हैं जैसे जनासा नवाज़ की आपको बात याद होगी जन की बात याद होगी ऑनवर्ड आप चलते चले जाएं मुशर्रफ़ फिर उसके बाद ये मिस्टर कियानी और फिर आपके ये आला हज़रत मिस्टर बाजवा साहब बाजवा साहब तो ये ये वो उनके मतलब उनके एक हेड ऑनस चलते रहे हैं अब वो मतलब उम्र के उस हिस्से में है नवाज़ शरीफ आ, के बहुत सीख लिया है तो उन्होंने ये बातें की तो मैं जो बात पीछे कर रहा था कि हो सकता है और इम्कान इसका है कि कुछ इस्टेबलिशमेंट के लोग नवाज शरीफ के इस मौक़ को हल्ला शरीत देने वाले भी हैं चूँकि मामला ये हुआ कि इमरान खान की हुकूमत मकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी है आप इस्टेबलिशमेंट के लोग भी ये कह रहे हैं हमारे पंजाबी का एक्सप्रेशन है जी चलो मियाँ साहब जो कहना जो थो कह लो बुरा पला आ जाओ फिर वापस ठीक है चूंकि वो उनको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा उनका बुरा हाल है फैटफ की तलवार लटक रही है तो मियाँ जो इमरान खान से तो थी वो उसका वन परसेंट भी नहीं हुआ तो फिर ये कह रहे हैं अच्छा जब उन्होंने यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने रबता किया होगा पोलिटिकल पार्टी तो उन्होंने कहा होगा जी ठीक है जी थोड़े गिले शिकवे जी सब ठीक है सर ता सुन लाँगे जी तुम आ जाओ जी चूँकि माई उनकी आपस में कन्वर्सेशन मैं ख़ुद पंजाबी हूँ तो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की इसी लहजे में है

मतलब ये भी इस्टेब्लिशमेंट से ही आग लेते रहे वहीं से इन्होंने भी जो है ना परवान पाया और एक मुकाम पे आने के बाद जबकि मुशरफ ने इनको मुल्क बदर किया था सऊदी अरब और उसके अलावा ये इस दौर में इन्होंने फिर अपना ये बयानिया कहा कि अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ और फिर एक बात हमने ये भी देखी जो कि बड़ी अच्छी बात है कि वो उस पर कायम भी रहे वो उस पर कायम भी रहे तो आप इसको कैसे देखते हैं देखिए मैं उससे जरा पहले जाता हूं जन जिया का त्यारा फटता है एटी 88 एट में ठीक है आ, आ, मेरा ख़्याल है अब मुझे कुछ टाइम एक साल आगे पीछे होगा लेकिन 88 में मुझे इतना एग्जैक्ट याद है कि बेनज़ीर की हुकूमत बनती है की तवील आमरीत के बाद बाद जो ठीक है, है। वो उसके है। बाद नवाज शरीफ आई जे आई के और आई एस आई के और जनरल हमीद गुल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला एंड कंपनी एंड कंपनी की हल्ला शेरी पर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 90 में और बेनज़ीर की हुकूमत को डिसमिस किया गया था बिल्कुल ठीक है उसके बाद इनकी हुकूमत को ढाई तीन साल बमुश्किल चली तो इनकी हुकूमत को डिसमिस किया गुलाम इसाक ने गाली जो उसके प्रेसिडेंट थे और जाहिर आर्मी के कहने पर तो उस नाइन्टी थ्री से इन्होंने फिर आर्मी के जर्नैलों से इनकी ठन गई फिर बेनजीर की हुकूमत आई फिर इनकी हुकूमत बनी दोबारा नवाज शरीफ की ठीक है तो कुछ वो म्यूजिकल चेयर हम उसको याद करते हैं ठीक है ना हाँ इनकी पहले जनरल आसम से ठनी हाँ। फिर इनकी करामत, आ, वो जो थे मैं पूरा नाम उनका बोल रहा करामत हाँ। उनके साथ ठनी इनकी ठीक है उसके बाद फिर ये मुशरफ आ गए और मुशरफ के बाद जो इनका हुआ मामला वो तो बहुत ही शदीद हुआ तो ये ये असल में इनकी ठंडती रही मगर ये जब भी इनकी हुकूमतें आई नाइन्टी थ्री के बाद भी जो इनकी हुकूमतें दो आई तो उसमें भी जाहिर इस्टेबलिशमेंट ऑन बोर्ड आई और इसमें भी अगर कभी इलेक्शन अब दोबारा होते हैं इनकी या जरदारी की या कोई मुश्तर हुकूमत बनती है तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत का इंटेगरल पार्ट बना बनी हुई है उसमें सियासतदानों की गलतियाँ भी हैं नवाज शरीफ से लेके सभी की जी और उसमें इस्टेबलिशमेंट का अपना जो रवैया है कि भाई सब ये हमारे अंडर है वो वो भी है और इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी इसमें कसूर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स को सूट ये करता था कि अच्छा यार एक जरनेल को डील कर लेंगे इट इज़ ईज़ी टू डील वन जरनेल ठीक है ना जो चूँकि हालात उस रीजन के ऐसे रहे पहले वो अफगानिस्तान और रशिया और ये रहे फिर उसके बाद ये वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी सूट करता था कि पाकिस्तान में ये यही डिक्टेटर रहें है यह भी एक रियलिटी है तो इस सिलसिला में अब जो सूरत हाल है अनिस भाई जो आज की जो सूरत हाल है इसमें एक इंटरेस्टिंग में मोड आया है उस पर जरूर आपसे बात करूँगा जरूर जरूर नवाज शरीफ ने जब ये बातें की तो नवाज शरीफ की इन बातों पर पाकिस्तान का मीडिया जिनका नाम नहीं लेना चाहता अलताफ़ हुसैन साहब अब वो उनका नाम लेने पर मजबूर हुआ अगरचे नेगेटिव ही ले रहा है कि जी नवाज शरीफ की ये जो तकरीर है ये अलताफ़ हुसैन साहब की तकरीरों का एक कोट कोट वर्जन है और वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था आपकी इस गुफ्तु से के एंड में जी के जब बात नवाज शरीफ साहब ने की तो सब ने वाह की सब ने बड़ी शाबाशें दी और सब ने जिक्र भी कर दिया चालीस साल से एक आदमी ये कहता आ रहा है यही नैरेटिव और ये बार बार कह रहा है कि तुम इन जनरलों पर बिलीव नहीं करना इन पर यकीन नहीं करना ये झूठे हैं ये कुरान दिखा के इन्होंने बलोचों को पहाड़ों से नीचे उतार के इनको फांसीयों पर लटकाया है ये कुछ भी कर सकते हैं अपने मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता कि हर एक चीज़ को बेच के भी वो अपना पेट भर सकते हैं ये बात अलताफ़ हुसैन साहब सर कब से कर रहे हैं और हम हम भी इसका जो है ना वो नकारखाना में तोती की तरह बोले चले जा रहे हैं कोई सुनता नहीं था नवाज शरीफ साहब ने कह दिया तो बड़ी वाह हो गई तो नवाज शरीफ वट डिफरेंट नवाज शरीफ सेट दैट अलताफ़ हुसैन हैज़ नॉट सेट ऑलरेडी मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा और फिर आपकी इजाज़त से अलताफ़ हुसैन भाई का वो एक वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहूंगा ठीक है देखिए अलताफ़ भाई ने अपने वीडियो क्लिप में कहा है इस ए पी सी की कॉन्फ्रेंस के अगले रोज कि भाई आप सब जो है ड्रामा कर रहे हो आप सब सियासतदान ड्रामा कर रहे हो जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है वो तो हम अभी दिखाते हैं लेकिन आपने मेरी राय पूछी कि फ़र्क क्या है जी फ़र्क ये है कि अलताफ़ हुसैन साहब इतने क्लियर हो चुके हैं इन इश्यूज़ पे उनको ये आइडिया हो चुका हुआ है कि ये पाकिस्तान के जर्नेल इतने ज़्यादा इकतदार के आ, हवस में मुबतला हैं कि ये किसी तरह की बात नहीं सुनेंगे ये बात नहीं मानेंगे तो अलताफ़ हुसैन साहब ने रिसेंटली कुछ सालों से कहा कि भाई हम इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं ठीक है जिसके बाद जो उनकी पहली तकरीर थी उसके बाद ये एक शहमत आई कि जी नाइन जीरो को बंद कर दो और इनकी तस्वीर इनके नाम इनकी तकरीर पे पाबंदी है दफ्तर लेकिन हाँ लेकिन वो पाबंदी के बावजूद हर तीसरे रोज कोई ना कोई, कोई या हर दूसरे महीने कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है कि वो नाम अलताफ भाई का फिर ताजा हो जाता तैयार ठीक है ना पीटीएम की बात होगी तो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है जब वो ये नारे लाएंगे जो अलताफ़ भाई के दिए हुए नारे हैं तो फिर फिर अलताफ़ भाई सामने आ जाएंगे आप नाम ना लें अलताफ़ हुसैन का वो फिर सामने आ गए ठीक है पाकिस्तान में जब भी कोई करबला मचाई जाती है तो फिर वो हम कहते हैं कि अल्ताफ जिंदा होता है हर करबला के बाद कर। तो वो फिर दोबारा से आ जाते हैं फिर अच्छा फिर वो कहते हैं कि नहीं जनाब अलताफ़ भाई का हमने यहाँ से कला कमा कर दिया हमने ये देखिए एम क्यू एम ये तो अब ये है पाकिस्तान की फ़ारूक सतार है और इधर मुस्तफ़ा कमाल है और ये इधर फ़लाँ है अच्छा उन बेचारों ने इलेक्शन भी जो लास्ट हुए टू थाउजेंड एटीन का आपने मैंने पूरी दुनिया ने देखा कि उनका हशर क्या हुआ अशर, अशर हुआ सर ठीक है ठीक है ना लंडन से अलताफ़ भाई ने कहा भी इस एलेक्शन का बाइकआउट है वो वोट ही नहीं पड़े जो एम क्यू एम के वहाँ पे वो पंजाबी का एक्सप्रेशन है जितने मामे थे वो सब के सब दरे के दरे रह गए जी, जी। अच्छा अलताफ़ साहब ने फ़र्क ये है फिर मैं उस पर जोर देता हूँ अलताफ़ साहब ने कहा कि भाई अब मेरा ख्याल है कि कोई डील भी नहीं मुमकिन इस्टेबलिशमेंट के साथ चूँकि हाँ। उसका कोई फायदा ही नहीं है उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता मसाइल जू के तू रहते हैं अगर वो कस्बे भी खा लें ना वो कुरान भी उठा लें हाँ तो वो कहते हैं कि अब इन पर बिलीव नहीं करना अच्छा मैं आपको ये क्लिप देखता हूँ जरा जी इस क्लिप में मैं दिखाने से पहले एक नाजरीन को एक चीज़ और भी बता दूँ कि नॉर्मली अलताफ़ हसैसन साहब का जो खिताब या तकरीर या क्लिप आते हैं वो बाकायदा एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है तैयारी की जाती है आ, वो उसमें माइक्रोफोन और ये, ये ये क्लिप इन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इंसान इन, कहता है ना कि मुझे कुछ कहना है और वो उन्होंने किसी से कहा जरा सेल फोन पकड़ो मैं ये क्लिप बना के ना जरा मैसेज राइट अवे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप और बड़ा सादा इसको ज़रा देखिएगा इसकी इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको चेक कीजिएगा अमल दखल की आप लोगों ने दबे दबे अल्फाजों में नवाज शरीफ साहब ने कुछ जरा थोड़ा आगे बढ़कर जो कौम के सामने बातें की करारदादे पेश की और जो नाराजगी का फौज और आईएसआई पर उनकी मदाखलत पर सियासी जमातों की मदाखलत पर इलेक्शन में मदाखलत पर इलेक्शन में अपनी पसंद और जमात के रहनुमाओं को लाने के अमल पर आपने इजहार ख्याल किया तो जितने फौजी जर्नेल जमहूरियत का गला घोटने में जिम्मेदार रहे हैं जरा कल जो आप बार बार कह रहे थे हमने माजी की बातों से बड़ा सबक हासिल किया है आप फिर कौम को दोबारा बेवकूफ बनाने कौम को उल्लू बनाने के लिए सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के मफाद और सी जमातों के मुश्तरका मफादात के लिए जमा हुए हैं पाकिस्तान और अवाम के लिए जमा हरगिज हरगिज नहीं कहता हूं कि जितने बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स जिम्मेदार हैं जमहूरियत का गला घोटने में आइन तोड़ने में उतने ही बड़े मुजरिम आप तमाम पार्टीज के रहनुमा बराबर के शरीक हैद शबाब के अलताफ़ हसैन याद आ गए मुझे जिस जज्बे और जिस जोश से उन्होंने खिताब किया है ये बात कही है ना कोई माइक लगाए ना कुछ ऐसा लग रहा है अभी गोल्फ़ खेल के आए और उन्होंने इसको फ़ौरन कहा कि ये राइट अवे मुझे इसको करना है और बड़ी अहम तरीन बात मतलब पाकिस्तान के सभी कौमी रहनुमाओं को मुखाब करके जिस तरह से उन्होंने कहा है ये ड्रामे कर रहे हैं आ, ये वाकई ड्रामे कर रहे हैं क्योंकि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग पीछे जाके मिलते हैं गलियों से गेट नंबर बाईस में जाके और पीछे बुरके पहन के सामने बैठ के जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो ये बात तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दो ट्वीटों में की अलताफ़ हुसैन साहब इससे पहले ये ए पी सी के अगले दिन कर दी थी इन्होंने बात देखिए बात यह है कि जो अलताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि भाई ये ड्रामे कर रहे हैं जो उनके तजर्बाते हैं पाकिस्तान के और अलताफ़ हुसैन के पाकिस्तान की सियासत से वस्ता उसके तहत तो वाकई ही लगता है कि ये अभी भी ड्रामे ही हैं जो पी एस के जो ए पी सी के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से एक एंगल ये निकालूंगा कि इनके लिए अब क्या ऑप्शन हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशन्स के लिए क्या ये इसी तरह की ड्रामेबाजियों से गुजरते हुए एक दो सरकारें और आगे बना लेंगे ठीक है क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो 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 अब ऐसे नहीं है कि ये ड्रामे फॉर एवर चल सकें बिल्कुल ये ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे ये लगता है कि बीच में कि नवाज शरीफ इन ड्रामों से निकलना भी चाह रहे हैं और ड्रामे का हिस्सा भी बन रहे हैं दोनों बातें हैं ठीक है ठीक है वो देख रहे हैं कि कहीं से कोई एग्जिट स्ट्रेटजी मिल जाए कोई बैन अकूमी ताकतें मदद कर दें यही बात मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाना चाहता हूँ अलताफ़ भाई चुके इन सब से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं बहुत अरसे वो पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ हमेशा से रहना चाहते थे आज भी अगर ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन रुक जाए और डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ आ जाएं, तो अलताफ़ हुसैन फिर मान सकते हैं फेडरेशन के साथ रहने में लेकिन अब उन्हें इश्योरेंस चाहिए होगी इंटरनेशनल क़तों की कि भाई हमारी सोवेरनिटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा जो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है ये तो खैर मैं आइडियल बातें कर रहा हूँ लेकिन नहीं, नहीं आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर और दूसरी बात ये जो आपकी बात है ना ये शायद वो वो तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई उल्टा खड़े हो के सोमर्ता लटक के भी बोल देना कि जी हम इनको कबूल करेंगे वो नहीं मानेंगे बात इसलिए कि ये नाकबिल भरोसा नाकबिल अतमाद लोग हैं इन्होंने अपने बार बार तारीख ने सिखाया है सबक कि लोग अपने ही लोगों को धोखा कैसे दिया है तो मैं तो नहीं मानता कि अलताफ़ हुसैन साहब ये बात मानेंगे जब तक कि कोई इंटरनेशनल गारंटर मौजूद नहीं होगा तब भी वो सोचेंगे कि अब वो सिर्फ अपनी अकेले की बात नहीं कर रहे हैं ना अब वो बात कर रहे हैं बलोचों की अब वो बात कर रहे हैं सिंध की सिंध में होने वाले मजहालिम की वो बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की वो बात करते हैं सराइकियों की हती कि वो पिसे हुए पंजाब के ग़रीब किसानों की बात करते हैं और ये बातें तो पसंद नहीं है ना उनको वो तो एक तकरीर में ये भी कह चुके हैं कि जो वो सिपाही है वो रिश्वत दे के अपने गाँव जाता है वो भी एक मजलूम सिपाही है वो उसकी भी बात करते हैं तो ये सारी बातें तो ये जो नाखुदा बैठे हुए हैं बाजवा डॉक्टरइन को और बाजवा की शक्लों में ये जो जितने बाजवे बैठे हुए हैं ये ये सब पसंद नहीं करेंगे ये नहीं चाहेंगे ये मुल्क तो तोड़ देते हैं आप यकीन करें ताहिर भाई ये मुल्क तो तोड़ देंगे लेकिन उसको बचाने के लिए एक कोशिश नहीं करेंगे ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ दावे से कह रहा हूँ ये आपका दावा दुरुस्त है चूँकि आपका दावा नाइनटीन सेवेंटी वन में साबित हो चुका था चूंकि उसमें कोई शक नहीं गुंजाइश नहीं है आप पे कोई हरफ नहीं उठा सकता कि ये आप कैसा दावा कर रहे हैं ये तो सेवेंटी वन में हो चुका आपका दावा बिल्कुल दुरुस्त है देखिए मैं थोड़ा सा इस मसले पर और बात करूँगा अब अलताफ़ साहब ने पहले बात की कि हम अपना जनापुर या वट एवर नेम जो होगा महाजर स्टेट बनाए गए फिर उन्होंने ज़रा और अपने थाट्स को रिवाइज़ किया उन्होंने देखा कि भाई मुझे तो ये सिंध की धरती है जहाँ पे हमारी अक्सरियत जो आबादी है जो जो हमारे अबा अदात हजरत करके आए थे तो ये सिंध की पूरी धरती ही अलग हो जी अच्छा वो अलीहदगी की बात कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं आप या मेरे ए, कहने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम उन्हें कहें कि आप ना करें तो भी वो नहीं मानेंगे अगर तो हम कहें कि आप करें वो कन्विंस होंगे तो करेंगे ठीक है अब उन्होंने ये हिसाब लगाया कि सिंधु देश की बात होगी अब वो सिंधु देश के कुछ जो वर्कर्स हैं ग्राउंड रियलिटी उनके साथ जुड़े हुए उसमें अनिस में आजकल एक इशू आ रहा है खुद महाजिर कम्यूनिटी में से जो बहुत सारे लोग हैं वो मोत्रज हैं कि भाई आपने तो महाजरों की बात की थी सिंधियों के साथ तुम्हारा क्लैश रहा ये कैसे एकदम से होना शुरू हो गया तो मैं जिस तरह एक बाहर का तीसरी आ, आ, कौम से तल्लक रखने वाला यानी पंजाबी जो देख रहा हूं वो ये है कि भाई का बड़, बड़ा सीधा सा मौकाफ है कि भाई बात यह है कि ये जो एलिट महाजर भी हैं वो कभी भाई के साथ ही नहीं रहे वो तो एलीट पंजाबियों के साथ ही रहे हैं ये तो ना पहले थे ना अब ठीक है बंगलादेश भी उन्होंने बनाया आ, अपना मतलब एलिटिज्म को जारी उनके ऊपर सादर करके भाई तो मेरी तरह आपकी तरह वर्किंग क्लास मिडिल क्लास के आदमी है और वर्किंग मिडिल क्लास चाहे सिंध की होगी सिंध की जो एलीट क्लास है वो तो सरदारी है जी। या वडेरे हैं मुस्लिम लीग के इधर उधर के तो वो भाई का उनके साथ क्या लेना देना भाई का अब कुछ कई लोग कहते हैं कि भाई को उनके साथ बैठना चाहिए बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते होते थे भाई वो बड़े बड़े लोग किसी काम के ही नहीं है ना भाई, भाई को भाई ने उन सब बड़े बड़े उनके साथ बैठ के देख लिया ना कि उसका क्या नतीजा निकला उन्होंने तो, तो उसको अप, अपने आप उनसे डिटैच कर लिया ना कि अब आप उन, उनसे अलग हैं हाँ और वो जो वो जो जैसे अभी आपने क्लिप में देखा कि वो कह रहे हैं तुम लोग ड्रामे कर रहे हो तो ड्रामे करने वालों के साथ तो वो नहीं बैठेंगे ना जी मैं खास तौर तो पर जो महाजन लीड ये समझते हैं कि वो ये देख रहे हैं कि भाई अब बड़े बड़े लोगों के साथ नजर नहीं आते उनकी फोटो नवाज शरीफ के साथ बैठे हों उनका ये ख्याल है कि भाई को सिंगल आउट कर दिया गया है मेरा ये ख्याल है कि भाई खुद उस क्लब से बाहर चले गए हैं उनको ये आइडिया हुआ कि भाई इनके साथ मैंने बहुत बैठ के देख लिया हैं, हैं। इनके साथ बैठने का एक ही तरीका है कि फिर उसी जंजाल में उसी दलदल में वापस जाओ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो फर्क जिसकी मैं बात पीछे कर रहा था वो क्लैरिटी ऑफ थॉट भाई के यहां अब पहले से भी ज्यादा आ गया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है अब ये एक तरह से भाई तो अपनी कलेरिटी पर कायम है अब ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को सोचना है कि भाई बहरहाल जो मर्जी वो कर लें उन्होंने तोड़ के देख लिया महाजर लीड को यूज करके देख लिया इसके बावजूद भाई मिडिल क्लास के रिप्रजेंटेटिव हैं ऐतराज अच्छा, अब 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 भी भी की गुंजाइश निकले तो मैं सवाल जी कर लूं जी। के जो जो अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव उसकी भाई चले पश्तून भी साथ हों बलोच भी साथ हों सिंधी भी साथ हों तो वो जो स्टेक होल्डर हैं जो कि जिनकी आवाम में जड़े हैं क्या वो मौजूद हैं चले सिंध की मिसाल ले लेते हैं सिंध में आप समझते हैं कि सिंध के स्टेक होल्डर जिन जो आम गरीब सिंधी को न, आ, की रिप्रेजेंटेशन करता हो क्या वो भाई के साथ चलना पसंद करेगा देखिए मैं भी हमेशा इस तरह सोचता रहा लेकिन इस पर जब मज़ीद गौर किया जो स्टेक होल्डर हैं कौन सिंध के स्टेक होल्डर जरदारियन कंपनी है दूसरे वडेरे हैं जो बाकी जमातों के साथ हैं काफ लीग मुस्लिम लीग नवाज ठीक है ना या वो पलेजो और जोल्फार मिर्जा टाइप के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफात तो ये स्टेक होल्डर क्यों भाई के साथ आएंगे कभी भी नहीं आएंगे और अगर ये भाई के साथ आ गए तो भाई का फेलियर हो जाएगा सही है ठीक है ना जी क्योंकि भाई को तो इनकी जरूरत तो नहीं है ठीक है अब भाई के जो स्टेक होल्डर हैं वो जमीनी लोग हैं बेचारे अनून या थोड़े बहुत जाने हुए लोग ये। अच्छा ये मैं आपको बता दू अनिस यहां पे मैंने अभी इंटरनेशनल फोर्सेस की बात की थी पाकिस्तान जिस नज पे खड़ा हुआ है ना उसमें या तो स्टेब्लिशमेंट को कोशिश करना होगी स्टैब्लिशमेंट फिर से कोशिश कर रही है नवाज शरीफ एंड इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करके कि हम इंटरनेशनल फोर्सेज को ऑन बोर्ड ले आए ताकि हमारा कोई और बुरा हशर ना हो ठीक है लेकिन वो जो इंटरनेशनल फोर्सेस है ना उन्होंने भी पाकिस्तान के बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, सही कह रहे हैं उन इंटेंड उन इंटरनेशनल फोर्सेस को भी पता चल गया कि ये स्टेक होल्डर हमें अब कौन से चाहिए बिल्कुल आप देख रहे हैं गुजतर चार पाँच साल से वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जो हैं बड़ी बड़ी ताकतें अरब हों वेस्टर्न ताकतें हों उनको भी अब कोई ज्यादा जरूरत नहीं रही जरदारी एंड कंपनी की उन जगीरदारों की उन वटेरों की ठीक है। अगर अभी वो इस मरल पर अलताफ़ भाई से बातचीत नहीं कर रहे तो वो करेंगे आगे चल के ये मैं आपको बता दूं इसलिए कि ऑल्टरनेट कोई नहीं है लेकिन वही बात है ना कि फिर सिंध के साथ कैसे जुड़ेंगे अलताफ़ भाई मुझे ये बताएं ना कि वही ज़मीन से ही हमें फिर लोग निकालने पड़ेंगे उसी जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल अप की जो क्यादत है वो आएगी जैसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास अलताफ़ हुसैन साहब आए थे इसी तरह वो लोअर मिडिल क्लास सिंधी और शफी बरफत हैं और दूसरे सफदर सरकी साहब हैं अब ये लोग अपनी अपनी जो है ये मोमेंटम गेन करेंगे और फिर ये मिलकर एक क़ुत बनेगी एक पाँच उंगलियाँ एक मक्का बनेगा इस तरह से होगा फिर देखिए जो आप नाम ले रहे हैं ये सब नाम तो नाम है नाम मैटर नहीं करते ठीक है, है ना इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड जो तो जहद है सर इन लोगों, ये तो इन लोगों हाँ। का भी एक काम है सबसे बड़ा जो जिंदगी लगाई है सबसे बड़ा जो ब्रांड है इस वक्त सिंध में वो खुद अल्ताफ है कोई माने या ना माने ठीक है अच्छा अलताफ हुसैन के साथ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास चलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि किडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के सिंधी भी जो है ना वो भी अल्ताफ हुसैन की बात सुनेंगे चूंकि लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास की किसी भी कौमियत की हो उसका खाना पीना एक ही होता है ठीक है ठीक उनके, उनके है वही वही मैं जब खाना पीना कहता हूँ ना तो वो वो बेचारों के मसाइल एक, एक ही हैं ठीक है, है? सिंधियों को अगर कहीं से रिलीफ की बात नजर आएगी तो जरदारी से नजर नहीं आएगी मैं मतलब गरीब सिंधियों की बात कर रहा हूँ जी 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 ठीक है उनको तो या, या हिंदू सिंधी बेचारे हैं या उनको अगर कोई अपनी बात नजर आएगी रिलीफ की तो वो अल्ताफ हुसैन से नजर आएगी अब अलताफ़ हुसैन के साथ जो भी सिंधी नाम जुड़ेंगे चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे दरमियाने हों और वो सिंसियर अगर नाम होंगे तो उनका भी कुछ नाम बन जाएगा ठीक है अच्छा है। अब इस सारे खेल में ये नहीं है कि ये रातों रात हो जाना है इस सारे खेल में एक सिंध में कुवत डेवलप हो रही है ठीक है उस कुवत को या तो पाकिस्तान के सियासतदान समझेंगे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट समझेगी अगर इनको आगे इस मुल्क को रखना है इसी तरह और अगर नहीं रखना है तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं ठीक है तो ये मैं आपको बता दूं कि फिर इंटरनेशनल प्लेयर के पास प्लेयर्स के पास जब कोई हालात पाकिस्तान के खुद पाकिस्तान के अख्तियार में ना रहे तो फिर ऑप्शन उनके पास क्या होगी बलूचिस्तान में तो हैं लोग उनके बिल्कुण। उनके बिल्कुण। साथ ऑन बोर्ड होने के लिए इवन पख्तूनिस्तान में लोग हैं उनके साथ ऑन बोर्ड होने के लिए जी, जी। तो फिर इधर से अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए आसान हो गया है पहले उनके लिए मुमकिन नहीं था कि भाई हम ये महाजिर किसी ए, कराची या इस तरह की किसी स्टेट को कैसे हम बना सकते हैं अब वो जहाँ अलताफ़ हसैन एक ब्रांड है वहाँ उस रीजन में सिंध एक ब्रांड है बिल्कुल, बिल्कुल। इंडस तो, वैली हम, तो, इसका तो कोई एक बड़े ब्रांड के साथ बड़ा नाम ही जा सकता है ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बड़ा नाम छोटी जगह के साथ आप लगा दें बात बन जाए तो ये ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई अलग हो जाएगा आपकी और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए मेरी है एस्टैब्लिशमेंट जी जी लेकिन वो जिनके हाथों में वो तो सुधरने को तैयार ना होगा मतलब उनके पांचों के, के लिए घी में सर कढ़ाई में जिस तरह से लूट मार मचा के वो अपने पापा जॉन्स बना रहे हैं पीजे बना रहे हैं और जिस तरह से वो करप्शन कर रहे हैं आ, एक छोटे से लेफ्टिनेंट जनरल की अगर एक करप्शन सामने आ गई तो आप कि चौहत्तर सालों में पाकिस्तान को किस तरह से किस बेदर्दी से लूटा गया होगा सोचें एक लमेर को तस्वूर करें पाकिस्तानियों अगर आप भी तस्वर करें मेरे सिंध के बादशोर लोगों अगर आप भी सोचें कि किस तरह से आपको लूटा गया है आपके वडेरे ने लूटा आपके जरदारी ने लूटा आपके पीर ने लूटा सब ने लूटा और उसके बाद आपके फ़ौजी ने भी लूटा जो ये कहता है कि मैं चौकीदार हूँ मैं से पैसा हूँ मैं मुल्क बचाऊँगा मुल्क के मुल्क को जो है इस्लाम का किला बनाएंगे उम्मा का लीडर बनाएंगे इन लोगों ने भी लूटा और इन इन ये जब लूटते हैं तो अपनी चोरी को छुपाते भी हैं बड़े तरीके से भाई एक वो एक कभी एक रिपोर्ट भी डॉन में शाया हुई है जी आ, जी कि जिस तरह से आसिम सलीम बाजवा की करप्शन को पहले तो कहा गया कि ये नहीं की लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से उसके कहते हैं ना कि खुरे और निशान भी मिटाने की कोशिशें शुरू कर, कर दी गई मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन अब ये बात खुल के हमारे डॉन अखबार ने भी आज इस पर लिख दिया है तो ये करप्शन के केसेस ये लूट मार के केसेस ये नेक नीयती का फ्कदान यानी कि देर इज़ लैक ऑफ जिसे कहते हैं ना कि आपकी विल ही नहीं है आप इनजस्टिस सोशल इनजस्टिस है इस मुल्क में तो इसका इसकी सारी जड़ें खोखली हो चुकी हैं इसकी सारी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और आप यकीन करें कि मैं अगर बाजवा होता तो मैं तो सबसे पहले जाके लंदन अल्ताफ हुसैन से मिलता और कहता कि सर आप मुझे सल्यूशन बताएं कि मैं इसको इस अपने मुल्क प्यारे मुल्क को कैसे बचाऊं लेकिन ये इतने ढीठ इतने इतने जैसे कहना चाहिए गैर जिम्मेदार लोग हैं कि इनको इसकी फ़िक्र नहीं है और सबसे बड़ी बात मैं आप बताऊँ सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये मैं नहीं कर सकता टी वी पर बैठ के आप नहीं कर सकते कोई सियासी रहनुमा नहीं कर सकता ये आवाम करती है अवाम जो कि बाईस करोड़ अवाम है वो क्यों करेगी अब अब लोगों के जहन में सवाल वो क्यों करेगी वो इसलिए करेगी कि तुम उसको गाली देते हो तुम कहते हो कि पश्तून को गाली देते हो तुम महाजिर को गाली देते हो तुम बलोच को गाली देते हो तुम बलोच को गद्दार बोलते हो तुम उनके लीडरों को अकबर बुप्टी को उड़ा देते हो और कहते हो कि वहाँ से हम मारेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो अपना मुक्का लहराता है मुशर्रफ और वो कहता है कि हम देख लेंगे सर ये ये जो है ना ये एक दिन का फसाना नहीं है ये अल्ताफ़ हुसैन की जो जिदोजहद चालीस साल की है ये कतरा कतरा करके आज एक बिफड़ता हुआ समंदर बन गया है और इस समंदर को अब रोक कोई नहीं सकता मैं आपको एक छोटा सा छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ आप देखिएगा उस सोच को ज़रा कि हम और आप बात कर रहे हैं कि इस इस मुल्क को कैसे बचाया जाएगा और ये नालायक ये क्या कर रहे हैं आप ये क्लिप देखिए पहले मुझे शादी नहीं करनी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बस किसी पठान से शादी नहीं करनी पूछ सकता हूँ क्यों बहुत डिफरेंट होते हैं हाइपर टाइप शॉर्ट टेम्पर्ड ठीक आपकी मर्जी आपकी चॉइस अरे सुन के तो जाओ कि तुम मुझे क्यों नहीं पसंद बताइए बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते कौन पख्तून पख्तून या पश्तून एक ही बात है <laughs> अच्छा और मतलब जब भी बात करते हैं तो गिला करते हैं नेगेटिव बात करते हैं इस में दिया ही क्या है। तासो तासो। आप उर्दू स्पीकिंग है ना जी तो कैसा लगता है कि हर गुटके खाने वाले शख्स को महाजिर से रिलेट किया जाए ना कि डॉक्टर अदीब रिजवी से भी बुरा लगता है पख्तूनों को एक एक्सट्रीमिस्ट पश्तीन से मिलाया जाए देखिए हर पख्तून पश्तीन नहीं होता खुदा हर गुटखा खाने वाला महाजिर आ, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया मैं जब मैंने ये लफ्ज़ सुना तो मुझे मैंने सोचा कि काश के मैं ये बात हैदराबाद रिजवी तक पहुँचा दूँ काश ये बात मैं वसीम अख्तर और ये जो इनके फैसल सजवारी और फारूक सत्तार और आमिर ख़ान और ये टोला है और इजारो इन तक पहुँचा दूँ कि लानत है तुम लोगों पर नदीम नुसरत लानत है तुम लोगों पर तुम लोगों को ये आज महाजरों की ये इज्जत हो गई है अलताफ़ हुसैन को जिस तरह से सफाई हस्ती से आप लोगों ने हटाने के लिए गद्दारी की है और जिस तरह से खड़े नहीं हुए उसके लिए जिस जो सारी उम्र तुम महाजरों के लिए खड़ा रहा लाना था तुम लोगों पर क्योंकि अब वो पश्चिन जो है हर पश्तून जो है वो ताब़ पसंद और शिद्दत पसंद है हर महाजर जो है वो घुटखा खाने वाला है सर अगर ये जज्बात नेशनल नेटवर्क पर दिखाए जाएंगे तो मेरा तो खून खौल उठेगा आप यकीन करें बिलाशुबा ये खून खोलने वाली बात है दिखाई जा चुके हैं ये वाले क्लिप अब सोशल मीडिया पे वायरल हैं एक ड्रामे का गालबन ये हिस्सा है अंदाज़ा कीजिए किस तरह की मैंटेलिटी है कि यानी वो लड़की बेचारी जिसका किरदार बनाया गया वो तो जाहिर है एक किरदार लिखा गया है कि भाई पश्तन जो होते हैं वो इस तरह के अनसिविलाइज और टेररिस्ट होते हैं वो लड़के के ज़रिए ये है कि महाजर जो हैं इस तरह के होते हैं फिल्मियों के बारे में भी ऐसा इवन पंजाबियों के बारे में भी ऐसा ही है कि ये जी घाम होते हैं अफला होते हैं टीम होते हैं।, हैं जो पंजाबी इस्टेबलिशमेंट की या पंजाबी माइंड सेट की जो ब्रोटैलिटीज़ हैं या जो जोपिडिटीज़ हैं वो अपनी जगह पर वो मैं खुद मानता हूँ उसको दुरुस्त करना है वो एक अलग बहस है लेकिन इस तरह का रवैया किसी कॉम में हो और वो बायदा फिल्मों में ड्रामों में दिखाया जा रहा हो इससे कोई दस परसेंट की चीज नेटफ्लिक्स पे आ जाए ना तो उसके खिलाफ पटिशन दायर हो जाएगी हेटरेट की जी ये तो मैं जैसे कहते हैं हेटरेट है बिल्कुल है इंसानों के ग्रोहों के खिलाफ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ना और जिस जैसे ये ड्रामे बनाए हैं और जो जो इसके पीछे हैं और जाहिर इनके पीछे पाकिस्तानीमेंट है बिल्कुल बिल्कुल ड्रामे तो वही बनाती है ना ड्रामे, गाने अगर अगर बनवाने, जंग तो उनको कि क्या इनका रवैया है, किस तरह ये सोचते हैं और किस तरह ये बात करते हैं मतलब आज की इस अवेयरनेस वाली दुनिया में इस तरह की कोई बात कहीं होती हो यकीन नहीं आता सर मौजू को थोड़ा सा बदलते हैं मैं आपको लेके चलता हूँ जम्मू कश्मीर की जाने वहाँ पे एक एडवोकेट बाबर कादरी है उनका कत्ल हुआ और कत्ल जिसने किया आ, वो भी सब जानते हैं और उसमें बार बार जगह जगह पे लिखा आ रहा है कि अन आइडेंटिफाइड गन ना मालूम नामालूम अफराद यानी कि वहाँ के जो अगर आप जो मोहल्ले के जो लोग हैं जो शहर के जो लोग हैं उस 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 जगह के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि ये इसका कतिल कौन है वो वहाँ का एक जाना माना बदमाश जो कि इस्लामी जद्दोजहद और पथराव और आईसाई का कारिंदा था और उनसे पैसे लेता था और उन्हीं की सपोर्ट पे चलता था उस उस उसमें मुलविस है वहाँ भी नाम लेते हुए घबराते हैं वहाँ भी जो है वो नाम मालूम अफराद कह देते हैं शरीफ लोग बेचारे सीधे लोग भाई उनका नाम लो आप उनको बताओ मैंने इस सिलसिले में ट्वीट भी की है और मैंने ये भी कहा कि ये तो गलत बात है कि आप एक कत्ल और कतिल को जानने वाले के बावजूद आप उसके नाम से इनकारी करते हो भाई भाई जी देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि नामूम अफराद हैं कि वो नामूम अफराद की पुशपनाई करने वाले सरहद के इस पार के नामूम अफराद थे ना ठीक है ठीक, तो वो ठीक। वो असल में वही नेरेटिव उधर चल रहा है बिल्कुल चल रहा है ठीक, ठीक है मैंने कहा बस ये मुख्तर से इस पर थोड़ा सा तबसरा कर लूँ क्योंकि ये मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं एक ऐसा मुल्क जिसके अपने अंदर परेशानियां चल रही हों उसका किचन बंद हो चुका हो उसकी सारी जड़ें खोखली हो गई हैं दीवारें छत गिर चुकी हों पानी जो है वो घरों में घुसा हुआ हो खाने को पैसे ना हो और उसके बाद वो दूसरे मुल्कों में जा जाकर अपनी मदाखलत के जरिए वहाँ वहाँ पैदा करता है शरारतें करता है वो गलत इस तरह की रवैये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि देखें ये जो अंदर के लोग होते हैं ना यही मुल्क को खोखला करते हैं चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ही क्यों ना हो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो तो मतलब इंडिया के साथ तो रहने नहीं चाहते और हमारे लिए तो बेहतर होगा कि हम चीन के साथ जा करें मतलब उनकी जो चीन से मोहब्बत की पींगे बढ़ रही हैं जो जो उनकी वालहाना मोहब्बत है मैंने उस पर एक ट्वीट भी किए अगर आप शायद उसको स्क्रीन पर देख सकें तो उसमें मैंने यही कहा कि देखें ये फारूक साहब को जो है ना मोदी साहब से मेरी बिनती है कि इनको उठा के वहाँ जो वीगर मुस्लिम का जो कैंप डिटेंशन कैंप बने हुए हैं ना जीपैंग में, जी में। वहाँ पे इनको भेज दें ताकि इनको जो जितनी भी मोहब्बत है उनकी वहाँ वो आराम से निकाल लें और वो अपने बाकी का जो जो टाइम बच गया जिंदगी वो याद इलाई में गुजार दें तो ये जो अंदर के जो ये लोग ये अभी इजा है इनकी इनकी तो आपने दुकान बंद कर दी ना सर मोदी साहब ने तो इनकी दुकान बंद कर दी तो फारूक अब्दुल्ला के इस रवैये पे आप क्या कहते हैं देखिए फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का जो रवैया है वो हमेशा से अपॉर्चुनिस्टों वाला रहा है उनको आदत ही नहीं है आ, पावर से बाहर रहने की पहली बार उनको पावर से बाहर रहना पड़ा अगर अगरचे वो इकतदार में हर वक्त नहीं होते थे लेकिन ये लोग हमेशा से पावर में रहते थे चाहे इनकी हुकूमत होती थी कश्मीर में चाहे नहीं होती थी ये फैमिली जो थी एक तरह से राज्यों की तरह वहाँ पर रहती थी जी जी अभी भी वैसे इनका रहन सहन राज्यों से, से काम नहीं होगा ये मैं बता दूं क्योंकि भारत में ऐसा थोड़ी है कि वो नवाज शरीफ को जिस तरह जेल में डाल दिया था इमरान खान ने या जिस तरह मत उसने कहा कि मैं ए सी भी उतार दूंगा और जिस तरह जरदारी जो अर आदमी उसके साथ जो सलूक करता है भारत में इस तरह तो नहीं सलूक अपोनेंट्स के साथ किया जाता ना कि वो उनको जरूर इनको हाउस रेस्ट किया था इनमें से कुछ को जेल में डाला था मगर ये वाला अशर तो नहीं तो था ना उनके साथ वो तो इसलिए उनको किया होता कि अनरेस्ट ना हो और दूसरा उनमें से भारत में ये अब लीडर बहुत सारे कश्मीर के अंदर जब हाउस अरेस्ट में या रेस्ट में गए थे इन सब की ख्वाहिश थी इन्होंने भारतीय सरकार से कहा हमारी के मुताबिक कि हमें ये एग्जिट स्ट्रेटजी दे दें हमें हाउस अरेस्ट कर दें या फिर कहीं जेलों में कर दें ताकि हम हमारी आवाम से जान बच सके और हमारी फेस सेविंग हो सके ये लेकिन आप सोच को क्या कहेंगे सर हाँ, मैं सोच मैं उस, चूंकि जो मैंने इनका इनका जो जायजा लिया जो खुलासा लिया अब यहीं से सोच इनकी निकलती है सोच इनकी यह है कि भाई अब ये इस्लामिक कार्ड हमेशा से खेलते रहे या फिर खेल रहे हैं अच्छा चीन की ये कर रहे हैं तरीफें भी इनको यह पता होना चाहिए कि जिस चीन की ये बात करते हैं इसी कश्मीर की पहाड़ियों या पहाड़ों के उस पर सिंकयान की तरफ नजर डाल के देख लें लेंगे वहां पे मुसलमानों के कंसंट्रेशन कैम्प जिस तरह के बने हुए हैं आज एक ये अनिस रिपोर्ट है कि मजीद कंसंट्रेशन कैंप्स की तफसीत सामने दुनिया को आई हैं बिल्कुल और वो पब्लिश हो रही हैं दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स से गार्डियन तक हर जगह पब्लिश हो रही हैं तो आपने बड़ी अच्छी ट्वीट दी आपने बड़ा खुल के कहा कि भाई अगर आपको इतना ही है शौक़ वो चीन की मदद का तो आप बतौर भारत को मुखालफत करने वाले जो ये हैं सो कॉल्ड अपॉर्चुनिस्ट मुस्लिम्स इनको चीन ही चले जाना चाहिए और वहाँ पे जो आपने कहा कि इनको वो वन की कंसल्टे कैंप में जाके पर काम करना चाहिए बिल्कुल ताकि आपको पता चले कि चीन में मुसलमानों की जिंदगी का क्या भावताव है बेचारों का इनको भी आटे दाल का भाव पता चले ना क्योंकि देखें ये जो इस तरह के लोग जो एक इस्लाम को यूज़ करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को भड़का कर जिस तरह से बात करते हैं आपने देखा होगा कि सीए को लेकर जिस तरह से वो औरतें जमा हो गई थी शाहन बाग में और फिर वो एक इशू बना दिया था इंटरनेशनल और उसको जिस तरह से मोदी सरकार ने डिफ्यूज़ किया आपने देखा कि वो भी एक बड़ी आ, अच्छी स्ट्रेटजी थी लेकिन इन दी एंड जब उनकी औकात खुल के सामने आती है तो वो इस छोटे से एक वीडियो क्लिप में आती है जहां वो अपने 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 अपनी जिसे कहते हैं ना कि वो उजरत लेके अपने अपने पैसे लेकर घर की तरफ जा रही है क्विकली देखते हैं उसको फिर उसको इस पर बाइंड अप करेंगे इसके बाद ये ताज़ा ये कोई ताज़ा क्लिप नहीं है ये लेटेस्ट क्लिप नहीं है लेकिन मैं इसे इसलिए दिखाया कि ये इनकी जो असलियत है वो आपको मालूम होनी चाहिए ये पैसे के पुजारी हैं इनका कोई ना दीन है ना धर्म है ना मज़हब है ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है चाहे वो फ़ारूक अब्दुल्ला हों चाहे ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हों हमें एक मैं आखिर जो पॉइंट है मेरा वो बड़ा आ, मैं आप तक उससे कहूँगा आप भी इस पर रोशनी डालिएगा कि सेकुलर के नाम पे जिस तरह से इंडिया के हिंदुओं ने विक्टिम रहे हैं शिकार रहे हैं वो अब उनको थोड़ा सा अपने रवैया बदलना होगा कि ये इक्वल होते हुए भी एक अपने साथ ही ज़्यादाती करते हैं और कभी वो माइनॉरिटी बन जाती है मुस्लिम अकली कभी वो दूसरे माइनॉरिटी बन जाते हैं और उस चक्कर में ये इन्होंने चौहत्तर साल गुजार दिए इस जंग में तह देखिए बात ये है कि ये जो सूरत हाल है वहाँ की एलिट की व, जो ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट और एलिट मुस्लिम का है वो तो बड़ा ही अफसोसनाक है लेकिन जो भारत के आ, अब हिंदू हैं उनकी अक्सरियत अब बदल रही है, है। जो इवन सेकुलर भी होते थे ना अगर सारे नहीं तो उनमें से बहुत सारे अब रैशनैलिटी के रस्ते पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नाफ़नाफ़ बिल्कुण। मैं बिल्कुण। सिर्फ आदिम इनका तबसरा उस वीडियो क्लिप पे ज़रूर करना चाहूँगा कि वो जो लाइन में लगे हुए पैसे लेते हैं और वो वीडियो क्लब बहुत पुरान मतलब शहीन बाग के प्रोटेस्ट के ज़माने का है मैंने तब भी ये कहीं कहा था कि वो जो बेचारे गरीब लोग खड़े हैं जो पैसे ले रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं इसलिए कि उनको जो पैसे देने वाले थे उन्होंने तो बाहर से बाहर की दुनियाओं से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे ना तो उन बेचारों को भी चाय पानी के कुछ पैसे मिल जाए हाँ। वो तो बहुत से लोग, है जो। तो है ना। लोग हैं आज का हमारा जो प्रोग्राम था हमने नवाज शरीफ से उसको शुरू किया नवाज शरीफ का जो ट्वीट आया उसने बहुत हंगामा मचाया और उसके बाद हम देखा कि वो बातें है जो कि 40 साल से एम क्यू एम के बानी क़ायद अलताफ़ हुसैन साहब कर रहे हैं वो बात नवाज़ शरीफ ने करना शुरू कर दी है और मुझे इस पर एक अलताफ़ हुसैन साहब का एक तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा याद आ गया जिसमें उन्होंने ये बात बहुत पहले कही थी कि इनकलाब बपा होगा तो पंजाब से होगा और उसके लिए पंजाब को और पंजाबियों को और मज़लूम पंजाबियों को जागना होगा ये इस वजह से कि हम अपने हैं अपने हैं, अपने हैं अपनी ज़बान बोलते हैं और फ़ौजी भाई हमारे अपने यकीन माने ये किसी के नहीं हैं ये किसी के भी नहीं हैं ये जिसको चाहेंगे लटका देंगे जला देंगे मार देंगे आपके भी नहीं हैं तो आपको इनकलाब के लिए उठना होगा और यकीन माने इस वक्त पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ़ को लेकर और अलताफ़ हुसैन को लेकर इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस बची नहीं है सिंध के लोग जमा हो गए हैं एग्री हो गए हैं अलताफ़ हुसैन की क्यादत में सिंधु देश की बात करते हैं वो या बलूचिस्तान के सर्माचारों की बात करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते किसी को बैठे बिठाए आ, ऐसे नहीं मैं भी बैठे बैठा ये नहीं सोच सकता कि चलो भाई एक नया मुल्क बनाए तोड़ दें फोड़ दें कोई तो वजह होती है ना चालीस साल में आपने जितने कचोके लगाए हैं जितने ज़ख्म दिए हैं जितनी लाशें दी हैं उसके बाद जवाज़ तो पैदा हो जाता है खुद ब खुद और उस जवाज़ को आप किसी भी तरह से कंट्रोल करने में या उसको डिफ्यूज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते आपका कोई इसमें तवज्जो नहीं है कि जी ये हम अपने मुल्क को बचा लें हम इनके पाँव पड़ जाएँ ये बड़े हैं हमारे इनका तजर्बा है ये सियासी रहनुमाएँ नहीं आपके अंदर का तकबर जो है वो आपको ये करने नहीं देता आपके अंदर का गुरूर आपको ये करने नहीं देता और आपके गर्दन में जो सरिया है जो कि बंदूक की नाली का सरिया है वो आपसे करने नहीं देता और सबसे बढ़ के ये कि जिस तरह से आप एक पाकिस्तान में रहते हुए एक अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसों से वो आपको करने नहीं देता ये सारी चीज़ों को जब तक नहीं बदला जाएगा निज़ाम नहीं बदलेगा नवाज शरीफ साहब ने इब्तदा कर दी है अलताफ़ हुसैन साहब जी कब से कह रहे हैं अब आवाम को भी सोचना होगा कि किसके पीछे खड़ा होना है हमारे प्रोग्राम का वक्त यही था अनिली फार्की को इजाजत दीजिएगा